डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ग्रीडी अप्रोच और डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो पहले देखते हैं ग्रीडी अप्रोच को, इसमें हम के बारे में हम फिर ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है वो देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन, इसकी वर्किंग को देखेंगे, इसकी टाइप, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास ग्रीडी मेथड क्या होता है या ग्रीडी अप्रोच क्या होती है, ग्रीडी टेक्निक क्या होती है। Among all the algorithmic approaches, the simplest and straightforward approach is the greedy method. In this approach, the decision is taken on the basis of current available information without worrying about the effect of the current decision in future. Greedy approach एक ऐसी approach होती है, एक ऐसी technique होती है जिसमें हम मौजूदा information की base पर कोई decision लेते हैं, यानी algorithm मौजूदा information की base पर जो information से provide की जाती है उसकी base पर decision लेता है, और उस decision को हम फ्यूचर में वो क्या हमें इफेक्ट देगा हम इसके बारे में हम सोचते और फोकस हमारा होता है कि इस वक्त हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। ग्रीडी एल्गोरिथम्स बिल्ड अ सॉल्यूशन पार्ट बाय पार्ट चूजिंग द नेक्स्ट पार्ट इन सच अ वे दैट इट गिव्स एन इमीडिएट बेनिफिट। दिस अप्रोच नेवर रिकंसीडर्स द चॉइसेस टेकन प्रीवियसली। दिस अप्रोच इज मेनली यूज्ड टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक तो इस अप्रोच में प्रीवियसली जो भी चॉइसेस हमने ली, जो भी डिसीजन लिए, ये अप्रोच उनको रिकंसिडर नहीं करती, ये नेक्स्ट मूव करती रहती है। और इस अप्रोच को मेनली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो है हमें फाइंड करना हो, या यूँ कह सकते हैं दूसरे बात में कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना हो। ग्रीडी मेथड इज ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड क्वाइट एफिशिएंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। Hence, we can say that greedy algorithm is an algorithmic paradigm based on heuristic that follows local optimal choice at each step with the hope of finding global optimal solution. In many problems, it does not produce an optimal solution, though it gives an approximate solution in a reasonable time. Greedy algorithm हमें optimal solution देता है। हर केस में ऐसा नहीं होता, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो optimal solution नहीं देता, लेकिन हो सकता है वो आपको अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन दे दे, यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन के नियर अबाउट जो है वो सोल्यूशन दे दे। ग्रीडी एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम रिजॉल्व्स प्रॉब्लम्स बाय मेकिंग द बेस्ट चॉइस दैट सीम्स बेस्ट एट द पर्टिकुलर मोमेंट। जिस तरह पीछे हमने अभी देखा, ग्रीडी एल्गोरिथम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तमाम चॉइसिस में से, मौजूदा चॉइसिस में से कुछ बेस्ट चॉइस को सिलेक्ट करता है वो, और उस मोमेंट में या उस प्रॉब्लम में फिलहाल जो भी सिनेरियो के हिसाब से बेस्ट लग रही होती है हमें चॉइस, ग्रीडी एल्गोरिथम वो जो है चूज करता है। मैनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी डिटरमिंड यूजिंग अ ग्रीडी एल्गोरिथम। सम इश्यूज हैव नो एफिशिएंट सॉल्यूशन, बट अ ग्रीडी एल्गोरिथम में प्रोवाइड अ सॉल्यूशन दैट इज क्लोज टू ऑप्टिमल। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनका एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं हम निकाल सकते, लेकिन ग्रीडी एल्गोरिथम उनका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो हमें दे सकता है। ग्रीडी एल्गोरिथम वर्क्स इफ अ प्रॉब्लम एग्जिबिट्स अ फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। ये दो प्रॉपर्टीज़ जिस प्रॉब्लम में होती हैं उस प्रॉब्लम को ग्रीडी एल्गोरिथम जो है वो सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। अ ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी रीच एट बाय क्रिएटिंग अ लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्रिएटिंग ग्रीडी चॉइसेस। सबसे पहला काम तो हम करते हैं, ग्रीडी एल्गोरिथम करता है जब प्रॉब्लम में कुछ ग्रीडी अप्रोचेस जो है वो लगाई जा सकें, यानी हमारे पास चॉइसेस हैं, हम ग्रीडीली उस चॉइस को एनालाइज करते हैं और ग्रीडीली उनमें से कोई एक उस मोमेंट पे जो बेस्ट लग रही होती है हमें हम उससे जो है पिक कर लेते हैं। फिर है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कंटेन ऑप्टिमल सब सॉल्यूशंस। इन अदर वर्ड्स, आंसर्स टू सब प्रॉब्लम्स ऑफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आर ऑप्टिमल। किसी भी प्रॉब्लम में सब प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन ऑप्टिमल होगा तो पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑप्टिमल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मशीन शेड्यूलिंग, फ्रैक्शनल कैंसैक प्रॉब्लम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, हफमैन कोड, जॉब सीक्वेंसिंग, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स वो हैं जिनमें ग्रीडी एल्गोरिथम यूज होते हैं। स्टेप्स फॉर अचीविंग अ ग्रीडी एल्गोरिथम आर। इन स्टेप्स को फॉलो करके हम ग्रीडी एल्गोरिथम को जो है वो अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिबल। Here we check whether it satisfies all possible constraints or not to obtain at least one solution to our problem. सबसे पहले हम प्रॉब्लम की फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि क्या हमारे पास इस प्रॉब्लम पर ये एल्गोरिथम लगाने से तमाम कंस्ट्रेंट्स जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तमाम रूल्स फॉलो हो रहे हैं, ताकि हमारे पास आउटपुट के तौर पर कोई एक सोल्यूशन कम अज़ कम लाजमी आ सके।
इसको फिजिबिलिटी कहते हैं। फिर है लोकल ऑप्टिमल चॉइस, इन दिस द चॉइस शुड बी द ऑप्टिमम विच इज सिलेक्टेड फ्रॉम द करेंटली अवेलेबल। इसमें जो हमारी चॉइस है तमाम चॉइस में से जो एक सोल्यूशन हम निकालते हैं वो ऑप्टिमम होना चाहिए विच इज सिलेक्टेड फ्रॉम द करेंटली अवेलेबल, जो कि उन तमाम अवेलेबल चॉइसेस में से सिलेक्ट किया जाता है जो इनपुट के तौर पे या फिल वक्त जो है एल्गोरिथम को प्रोवाइड की जाती हैं। अनअल्टरेबल, वंस द डिसीजन इज मेड एट एनी सबसीक्वेंट स्टेप दैट ओपिनियन दैट ऑप्शन इज नॉट अल्टर्ड। अनअल्टरेबल से मुराद ये है कि अगर एक दफ़ा डिसीजन ले लिया गया तो किसी भी स्टेप पे हम उसको अल्टर नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते, इट शुड रिमेन द सेम। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी एल्गोरिथम में पांच कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले अ कैंडिडेट सेट, अ सॉल्यूशन इज क्रिएटेड फ्रॉम दिस सेट, इस सेट से सॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है। अ सिलेक्शन फंक्शन यूज टू चूज द बेस्ट कैंडिडेट टू बी एडेड टू द सॉल्यूशन। अ फिजिबिलिटी फंक्शन यूज टू डिटरमिन वेदर अ कैंडिडेट कैन बी यूज टू कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूशन। और उसके बाद एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ सॉल्यूशन और अ पार्शियल सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन फंक्शन यूज टू इंडिकेट वेदर अ कंप्लीट सॉल्यूशन हैज बीन रीच्ड। स्टैंडर्ड ग्रीडी एल्गोरिथम, यानी स्टैंडर्ड ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है या उसके क्या जो है वो स्टेप्स होते हैं। दिस एल्गोरिथम प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप कंसिडरिंग वन इनपुट से एक्स एट ईच स्टेप। इफ एक्स गिव्स अ लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी एक्स अगर फिजिबल है देन इट इज इंक्लूडेड इन द पार्शियल सॉल्यूशन सेट एल्स इट इज डिस्कार्डेड। अगर हमें पहले स्टेप पे ये पता चल जाता है कि एक्स हमारा जो है फिजिबल है, फिजिबल का मतलब ये है कि वो अपनी सब प्रॉब्लम को कभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर दे रहा है हमें, यानी एक्स फिजिबल है, तो उसको हम इंक्लूड कर देते हैं पार्शियल सॉल्यूशन सेट में। यानी पार्शियल सॉल्यूशन सेट वो होता है जिसमें हम जो पूरा सॉल्यूशन नहीं होता लेकिन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं, ताकि उन सब सॉल्यूशंस को मिलाकर हम लास्ट पे एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकें। अगर ऐसा नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। द एल्गोरिथम देन गोज टू द नेक्स्ट स्टेप एंड नेवर कंसीडर्स एक्स अगेन। एल्गोरिथम फिर अगले स्टेप को मूव करता है और पिछले वाले एक्स को वो दोबारा कंसिडर कभी भी नहीं करता, नेक्स्ट मूव करता है हमेशा। दिस कंटिन्यूज अंटिल द इनपुट सेट इज फिनिश्ड और द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज फाउंड। ये स्टेप तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक हमारे पास जो इनपुट सेट वो ख़त्म नहीं हो जाता या हमें कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। ग्रीडी एल्गोरिथम, ये ग्रीडी अप्रोच कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, इसकी एप्लीकेशन है कुछ। फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस यूजिंग डिस्क्रॉस एल्गोरिथम। फाइंडिंग द मिनिमल स्पैनिंग ट्री इन अ ग्राफ यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम एक्सेट्रा। ये दो एल्गोरिथम हैं, इनमें जो है ये ग्रीडी अप्रोच यूज की जा सकती है। वेयर ग्रीडी अप्रोच फेल्स फॉर मैनी अदर प्रॉब्लम, ग्रीडी एल्गोरिथम फेल टू प्रोड्यूस ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड मे इवन प्रोड्यूस द यूनिक वर्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। वन एग्जांपल इज द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। फॉर ईच नंबर ऑफ सिटीज देयर इज एन असाइनमेंट ऑफ डिस्टेंसेज बिटवीन द सिटीज फॉर विच द नियरेस्ट नेबर heuristic produces the unique worst possible tour. Greedy algorithm की working को हम understand करते हैं छोटे से example के साथ। Consider that there is an objective function that has to be optimized. हम consider करते हैं कि हमारा एक objective function है जिसे हम optimize करना चाहते हैं, यानी कि maximize या minimize करना चाहते हैं। This approach makes greedy choices at each step and makes sure that the objective function is optimized. The greedy algorithm has only one chance to compute the optimal solution and thus cannot go back and look at other alternate solutions. However, in many problems, this strategy fails to become a global, to produce a global optimal solution. Let's consider the following binary tree to understand how a greedy, basic greedy algorithm works. ये हमारे पास एक binary tree है, इसको consider करके हम देखते हैं greedy algorithm किस तरह से working करेगा। From the above problem, the objective function is to find the path with the largest sum. हम इस ट्री में से कोई ऐसा पाथ फाइंड करना चाहते हैं जो कि हमें लार्जेस्ट सम प्रोवाइड कर दे। सिंस वी नीड टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्रीडी अप्रोच कैन बी यूज। फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो टू फाइंड द सोल्यूशन। स्टेप वन, इनिशियलाइज सम इज इक्वल टू जीरो। अभी हमने चूंकि स्टार्ट किया है, पहला स्टेप है, तो इसमें सम जो है वो जीरो होगा, यानी अभी हमने कोई सम फाइंड नहीं किया। सिलेक्ट द रूट नोड एंड सो इट्स वैल्यू विल बी एडेड टू द सम।
सबसे पहले हम रूट नोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रूट नोड क्या है, 8। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सम में ऐड कर देंगे। सम क्या था हमारे पास, 0, 0 प्लस 8 इक्वल टू 8। स्टेप 3 क्या होगा, द एल्गोरिथम कंपेयर्स नोड्स एट नेक्स्ट लेवल, सिलेक्ट द लार्जेस्ट नोड विच इज 12, मेक द सम 20। अब ये रूट नोड 8 हमने ले लिया, इसको सम में ऐड कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास सम का। अब हमने इसके चाइल्ड नोड देखने, वो दो हैं, ये और ये, दोनों में से जो लार्जेस्ट नोड है यानी जिसकी वैल्यू लार्जेस्ट है उसको हमने पिक करना है, डेट इज़ 12 को ऐड कर दें किसमें, 8 में, जो पिछला सम आया था हमारा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 20। स्टेप 4, द एल्गोरिथम कंपेयर नोड्स एट द नेक्स्ट लेवल, सिलेक्ट द लार्जेस्ट नोड विच इज 10, मेकिंग द सम 30। यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया। अब इसके मजीद जो आगे नोड्स हैं वो कौन से दो हैं, 5 और 10, लार्जेस्ट 10 है, 10 को हम 20 में ऐड करेंगे और 30, सम हमारे पास आ गया 30। Just using the greedy algorithm, we get 8, 12, 10 as the path. But this is not the optimal solution since the path 8, 2, 89 has a larger sum, that is 99. हमने जो अभी example की उसमें ये path किया 8, 12 और 10, इस path से हमें 30 output मिली, लेकिन ये optimal solution नहीं है, क्योंकि अगर हम इस तरफ को जाते हैं 8, 2 और 89, इन्हें add करते हैं तो हमारे पास answer जो है वो 30 से भी बढ़ाएगा, that is 99. This happens because algorithm makes decision based on the information available at each step without considering the overall problem. अब यहाँ पर हमने इस problem से ये देखा कि algorithm ने decision लिया उस information की base पर जो उसे एक step पर available है, यानी हर step पर उसने जो भी information उसे मिलती गई उसने उसके हिसाब से answer निकाला, उसने overall problem को consider नहीं किया। अगर वो overall problem को consider करता तो हो सकता है वो इस पाथ पे चला जाता है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा बड़ा सम मिल रहा है, लेकिन चूंकि एल्गोरिथम ने हर स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है तो हर स्टेप पे जो भी लार्जेस्ट नोड आएगा उसने उसे पिक करते जाना, चाहे लास्ट पर जो सोल्यूशन आपका वो ऑप्टिमल हो या ना हो। ग्रीड, इसकी थोड़ी सी टाइप्स है ग्रीडी एल्गोरिथम की। ग्रीडी एल्गोरिथम कैन बी कैटेगराइज एज बींग शॉर्ट साइटेड एंड आल्सो एज नॉन रिकवरेबल। दे आर आइडियल ओनली फॉर प्रॉब्लम्स विच हैव optimal substructure. Despite this, for many simple problems, the best suited algorithms are greedy algorithms. It is important, however, to note that the greedy algorithm can be used as a selection algorithm to prioritize options within a search or branch and bound algorithm. There are few variations to the greedy algorithm: pure greedy algorithm, orthogonal greedy algorithm, and relaxed greedy algorithm. ये तीन जो हैं types हैं greedy algorithms की। Advantages or disadvantages: This technique is easy to formulate and implement. It works efficiently in many scenarios. This approach minimizes the time required for generating the solution. अब देखें जिस तरह पीछे हमने एग्जाम्पल की, उसने ओवरऑल प्रॉब्लम को नहीं देखा, उसने सिर्फ हर स्टेप पर जो उसे उस मोमेंट पे ठीक लगा उसने वो डिसाइड करके हमें आंसर दे दिया। तो यानी हमें शॉर्टेस्ट टाइम में उसने एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, उसने ये नहीं देखा कि ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, लेकिन एक सोल्यूशन उसने लाजमी दे दिया। Disadvantages के, this approach does not guarantee a global optimal solution. जैसे अभी हमने देखा solution आ तो गया, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो solution optimal है, हो सकता है कोई और path को follow करके हम उससे ज़्यादा बेहतर solution निकाल सकें। Since it never looks back at the choices made for finding the local optimal solution. उसकी वजह ये है कि algorithm कभी भी backtrack ये वाला नहीं करता, यानी जो path हमने ले लिया एक बार वो उस पर चलता रहेगा, हर step पे अपनी टेक्निक को अप्लाई करता रहेगा, बैक ट्रैकिंग करके अपनी चॉइसेस को रिकंसिडर नहीं करेगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें ग्रीडी टेक्निक जो है वो अप्लाई होती है, ग्रीडी अप्रोच यूज होती है, वो आपके सामने है। इन सब प्रॉब्लम्स में हम ग्रीडी एल्गोरिथम या ग्रीडी अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं। कंक्लूजन हमारे पास ये निकला जी कि ग्रीडी टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर एप्लीकेशन वेयर सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन रियल टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन इज सफिशिएंट। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक डायनामिक प्रोग्रामिंग को। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग का। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट पावरफुल डिजाइन टेक्निक फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम पार्टीशन द प्रॉब्लम इनटू डिसजॉइंट सब प्रॉब्लम, सॉल्व द सब प्रॉब्लम रिकर्सिवली एंड देन कंबाइन देयर सॉल्यूशन टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। पीछे कुछ वीडियो पहले हमने जो है एक अप्रोच डिवाइड एंड कंकर अप्रोच जो है वो पढ़ी थी, वो प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करता है, एक सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके और सब प्रॉब्लम को सेपरेटली रिकर्सिवली सॉल्व करेगा और बाद में उन सबके सॉल्यूशंस को कंबाइन कर देगा।
डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करता है, यूज वेयर व्हेन द सब प्रॉब्लम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये वहाँ ही होगी जब सब प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन दे शेयर द सेम सब प्रॉब्लम, इन दिस केस डिवाइड एंड कंकर मे डू मोर वर्क देन नेसेसरी बिकॉज इट सॉल्व द सेम सब प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम्स। डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम जस्ट वंस एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ टेबल सो डैट इट कैन बी रिपीटेडली रिट्रीव्ड इफ नीडेड अगेन। डिवाइड एंड कंकर में हमने देखा कि जो प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जाता है, प्रॉब्लम्स सब प्रॉब्लम्स को अलग अलग सॉल्व किया जाता है, सबके सोल्यूशन को लास्ट पे इकट्ठा कर दिया जाता है। ऐसे केसेस में अगर सब प्रॉब्लम्स जो है वो सेम कैटेगरी की हैं तो डिवाइड एंड कंकर जो है वो सही वर्किंग करेगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफरेंट इस सेंस में है कि हर सब प्रॉब्लम को ये एक ही दफ़ा सॉल्व करती है और उनके रिजल्ट को एक टेबल में स्टोर कर लेती है ताकि उस टेबल को हम दोबारा जो है वो यूज़ कर सकें अगर हमें कोई वैल्यू रिट्रीव करनी है। तो इसलिए डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ अ बॉटम अप अप्रोच, वी सॉल्व ऑल पॉसिबल स्मॉल प्रॉब्लम एंड देन कंबाइन टू ओपेन सोल्यूशन फॉर बिगर प्रॉब्लम। डायनामिक प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच होती है, इसका मतलब ये है कि हम तमाम स्मॉल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनके सोल्यूशन को कम्बाइन करेंगे ताकि हमारा सोल्यूशन जो है एंड पे पूरी प्रॉब्लम का इकट्ठा हो जाए। बॉटम अप अप्रोच क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, उसके लिए वेट। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अ पैराडाइम ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन इन विच एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय अ कम्बिनेशन ऑफ अचीविंग सब प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड अपीयरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। डिजाइन डायनामिक प्रोग्रामिंग ऐसी पैराडाइम है जिसमें ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय कम्बिनेशन ऑफ अचीविंग सब प्रॉब्लम सोल्यूशन, सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हम निकालते हैं और उन सोल्यूशन को कंबाइन करके हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं पूरी प्रॉब्लम का, और ये टेक्निक जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी कहलाती है। डायनामिक प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग वर्क्स व्हेन अ प्रॉब्लम हैज द फॉलोइंग फीचर्स, प्रॉब्लम में जब ये दो फीचर होंगे तो डायनामिक प्रोग्रामिंग उस पर अप्लाई हो सकती है। सबसे पहला ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, इफ आर ऑप्टिमल सोल्यूशन कंटेन्स ऑप्टिमल सब सोल्यूशन देन आ प्रॉब्लम एग्जिबिट्स ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ये बात पीछे भी हमने की ग्रीडी एल्गोरिथम में कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन और उस ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर भी कुछ ऑप्टिमल सब सोल्यूशन हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर कंटेन करती है। Overlapping sub problem, when a recursive algorithm would visit the same sub problem repeatedly, then a problem has overlapping sub problem. If a problem has optimal substructure, then we can recursively define an optimal solution. If a problem has overlapping sub problems, then we can improve on a recursive implementation by computing each sub problem but only once. If a problem doesn't have optimal substructure, there is no basis for defining a recursive algorithm to find the optimal solution. If a problem doesn't have overlapping sub-problems, we don't have anything to gain by using dynamic programming. If the space of sub-problems is enough, that is, polynomial is the size of input, dynamic programming can be much more efficient than recursion. Dynamic programming ke elements. There are basically three elements that categorize a dynamic programming algorithm. सबसे पहला है एलिमेंट है जी सब स्ट्रक्चर, डीकम्पोज द गिवन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम, एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन फॉर स्मॉलर प्रॉब्लम। उसके बाद टेबल स्ट्रक्चर, आफ्टर सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ द सब प्रॉब्लम इन अ टेबल, दिस इज डन बिकॉज सब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आर रीयूज्ड मेनी टाइम्स एंड वी डू नॉट वांट टू रिपीटेडली सॉल्व द सेम प्रॉब्लम ओवर एंड ओवर अगेन। ये पीछे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है एक टेबल में सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को स्टोर कर लेती है ताकि रिपीटेडली उसे यूज़ किया जा सके। ये वही पॉइंट है टेबल स्ट्रक्चर का कि सब प्रॉब्लम्स जब सॉल्व कर लिए जाते हैं तो उनके सॉल्यूशंस को रिजल्ट्स को एक टेबल में स्टोर कर लिया जाता है। बॉटम अप कंप्यूटेशन यूजिंग टेबल कंबाइन द सॉल्यूशन ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स टू सॉल्व लार्जर सब प्रॉब्लम्स एंड इवेंचुअली अराइव एट अ सॉल्यूशन टू कंप्लीट प्रॉब्लम। इस टेक्निक में या इस स्टेप में हम करते हैं टेबल को इस्तेमाल करते हुए जिसने टेबल के अंदर तमाम जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस सब सॉल्यूशंस दिए हुए हैं उन सबको हम कंबाइन करेंगे और एक कंप्लीट सॉल्यूशन तक जो है वो पहुंचेंगे। बॉटम अप का मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट विद स्मॉलर सब प्रॉब्लम कंबाइन देयर सॉल्यूशंस ऑब्टेन द सॉल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग साइज अंटिल सॉल्विंग एट द सॉल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। छोटे सब प्रॉब्लम को शुरू करें
उसको सॉल्व करते करते बड़े की तरफ चलते जाएं और लास्ट पर जो है वो सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को कंबाइन कर दें, इसे हम बॉटम अप टेक्निक कहते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट्स, सबसे पहले स्टेजेस। द प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल सब प्रॉब्लम्स व्हिच आर कॉल्ड स्टेजेस। जब हम प्रॉब्लम को कुछ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम स्टेजेस बोलते हैं। अ स्टेज इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल इन द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम दे वर डिफाइंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफ। पूरे प्रॉब्लम को जब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो वो जो हर पार्ट है उसको हम स्टेज बोलते हैं। वो प्रॉब्लम का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, स्टेट्स। ईच स्टेज हैज सेवरल स्टेट्स एसोसिएटेड विद इट। द स्टेट्स फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम वाज द नोड रीच डिसीजन। एट ईच स्टेज देयर कैन बी मल्टीपल चॉइसेस आउट ऑफ विच वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन शुड बी टेकन। द डिसीजन टेकन एट एवरी स्टेज शुड बी ऑप्टिमल। दिस इज कॉल्ड अ स्टेज डिसीजन। प्रॉब्लम को स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। हर स्टेज की एक ना कुछ स्टेट होती है जो कि उससे एसोसिएट हुई होती है और हर स्टेज पर हम मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक बेस्ट सोल्यूशन निकालते हैं और उसकी बेस पर हम डिसीजन लेते हैं कुछ। ऑप्टिमल पॉलिसी, इट इज़ अ रूल विच डिटरमिन्स द डिसीजन एट ईच स्टेज। ये ऑप्टिमल पॉलिसी एक्चुअली वो रूल है जो हर स्टेज पर हम डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन में हेल्प करने के लिए ऑप्टिमल पॉलिसी जो है वो एक रूल की बेस तरह काम करती है। अ पॉलिसी इज कॉल्ड एन ऑप्टिमल पॉलिसी इफ इट इज़ ग्लोबली ऑप्टिमल। दिस इज नोन एज बेलमैन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। गिवन द करंट स्टेट द ऑप्टिमल चॉइसिस फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग स्टेट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रीवियस स्टेट्स और डिसीजन। इन द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इट वॉज नॉट नेसेसरी टू नो हाउ वी गॉट अ नोड ओनली डैट वी डिड। देयर एग्जिस्ट अ रिकर्सिव रिलेशनशिप डैट आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल डिसीजन फॉर स्टेज जे गिवन डैट स्टेज जे प्लस वन हैज ऑलरेडी बीन सॉल्व। द फाइनल स्टेज मस्ट बी सॉल्व बाय इटसेल्फ। कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन पार्ट्स को हम स्टेजेस बोलते हैं। उन स्टेजेस के साथ कुछ स्टेट्स एसोसिएट होती हैं और उन स्टेट्स पर उन स्टेजेस में हम कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक बेस्ट डिसीजन पिक करने के लिए। उस डिसीजन के लिए हमें जो ऑप्टिमल पॉलिसी दी गई है वो रूल की तरह काम करती है और इस रूल की बेस पर हम जो है एक डिसीजन ले पाते हैं और इसी तरह से जो है हम मूव करते रहेंगे आगे। करंट स्टेट जो भी हमें दी गई होगी, ऑप्टिमल चॉइसेस भी होंगी उसकी, उसके कुछ स्टेट्स भी होंगे, हम वहाँ पर इसी तरह से डिसीजन लेंगे और इसी तरह से हम करते करते फाइनल स्टेज तक जो है वो पहुँच जाएंगे। तो बेसिक जो है वो चार कंपोनेंट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, स्टेजेस, स्टेट्स, डिसीजन एंड ऑप्टिमल पॉलिसी। डिवेलपमेंट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम को डिवेलप करने के लिए चार स्टेप्स हमें परफॉर्म करने होते हैं। करेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। नंबर टू, रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन लाइक डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू टू और मोर ऑप्टिमल पार्ट्स रिकर्सिवली। दिस हेल्प्स टू डिटरमिन व्हाट द सोल्यूशन विल लुक लाइक। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन फ्रॉम द बॉटम अप स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्ट द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर द एंटायर प्रॉब्लम फ्रॉम द कंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ द स्मॉलर सब प्रॉब्लम। डायनामिक प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन, ये तमाम जो है प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो यूज करते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग की एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ जनरेटिंग द फिबोनाची सीक्वेंस। एग्जाम्पल लेते हैं फिबोनाची सीरीज की। लेट्स सपोज हमारा सीक्वेंस कुछ यूं है F1, F2, F3 एंड सो ऑन टू F50। और फिबोनाची सीरीज इस रूल को फॉलो कर रही है कि Fn इज इक्वल टू Fn-1 + Fn-2, इन्हें डिक्रीज की तरफ जा रही है। तो ये कुछ यूं हो सकता है कि F50 हमने कैलकुलेट किया किस तरह। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, हर अगला एलिमेंट पिछले दो एलिमेंट्स का सम होता है, यानी F50 सम होगा किसका, 49 और 48 का। इसी तरह 49 सम होगा 48 और 47 का, और 48 सम होगा 47 और 46 का। इस तरह करते करते वन तक चले जाए। नोटिस हाउ देयर आर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। वी नीड टू कैलकुलेट F48 टू कैलकुलेट बोथ F50 एंड F49। अब इसमें देखें, हम एफ
48 को कैलकुलेट करने के लिए हमें F50 और F49 दोनों जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि F48 जो है दोनों के कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ एल्गोरिथम वी आर डायनामिक प्रोग्रामिंग साइंस। ये वो एल्गोरिथम है जहाँ पर डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो एक्चुअली या एफिशिएंटली वर्क करता है। वर्किंग इसकी देखते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग वर्क बाय स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ सब प्रॉब्लम सो डैट वैन देयर सोल्यूशन आर रिक्वायर्ड दे आर एट हैंड एंड वी डू नॉट नीड टू रिकैलकुलेट दैम। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हर सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और उनके सोल्यूशन को स्टोर कर लिया जाता है। दिस टेक्निक ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ सब प्रॉब्लम कॉल्ड मेमोराइजेशन। इस सब प्रॉब्लम को स्टोर करने की जो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं मेमोराइजेशन। बाय सेविंग द वैल्यूज इन द एरे वी सेव टाइम फॉर कंप्यूटेशंस ऑफ सब प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस। डायनामिक प्रोग्रामिंग बाय मेमोराइजेशन इज अ टॉप डाउन अप्रोच टू डायनामिक प्रोग्रामिंग बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन इन विच द एल्गोरिथम वर्क दैट इज बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस केस एंड वर्किंग टूवर्ड्स द सोल्यूशन वी कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट डायनामिक प्रोग्रामिंग इन अ बॉटम अप मैनर। अब हम कुछ कंपैरिजन करते हैं जो पीछे हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं उनका डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक के साथ। ग्रीडी एल्गोरिथम्स आर सिमिलर टू डायनामिक प्रोग्रामिंग इन द सेंस दैट दे आर बोथ टूल्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ग्रीडी एल्गोरिथम और डायनामिक प्रोग्रामिंग में एक सेम चीज़ ये है कि दोनों ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब डिफरेंट क्या है, हाउएवर ग्रीडी एल्गोरिथम लुक फॉर locally optimum solutions or in other words a greedy choice in the hopes of finding a global optimum. Hence greedy algorithms can make a guess that looks optimum at the time but becomes costly down the line and do not guarantee a globally optimum. Greedy algorithms humne dekha ke overall problem ko nahi dekha jata balki local optimum solution jo hai wo find kiya jata hai. Dynamic programming on the other hand finds the optimal solution to sub problem and then makes a an informed choice to combine the results of those sub problems to find the most optimum solution. So, ye ek difference hai dono mein, dynamic programming and greedy algorithm mein, ki greedy approach jo hai wo hamare paas local optimum solution nikalti hai, yani at the moment jo use best lagta hai wo usko pick karti hai, overall problem ko nahi dekhti, jabki dynamic programming tamam problems ki jo sub problems hai unhe solve karti hai aur baad mein unke result ko combine karke हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन ओवरऑल मोस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब हम कंपेयर करते हैं रिकर्शन और डायनामिक प्रोग्रामिंग को। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज मोस्टली अप्लाइड टू रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, मोस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स रिक्वायर रिकर्शन एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग टू इज यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले तो डायनामिक प्रोग्रामिंग हम मोस्टली रिकर्सिव एल्गोरिथम्स पर अप्लाई करते हैं, लेकिन ये एक कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो रिकर्जन और डायनामिक प्रोग्रामिंग रिकर्जन को यूज़ करती हैं और उन्हें ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। बट नॉट ऑल प्रॉब्लम्स डेट यूज रिकर्जन कैन यूज डायनामिक प्रोग्रामिंग। लेकिन ऐसा नहीं है हर प्रॉब्लम जो रिकर्जन यूज़ करती है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं कर सकती, अनलेस देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम लाइक इन द फिबोनाची सीक्वेंस प्रॉब्लम। A recursion can only reach the solution using a divide and conquer approach. Okay, that is the reason why a recursion algorithm like merge sort cannot use dynamic programming because the sub problems are not overlapping in any way. फिर हम compare करते हैं जो last पे divide and conquer approach और dynamic programming को। सबसे पहला point हमारे पास ये है जी के it deals three steps at each level of recursion. Dynamic divide and कंकर मेथड में हम डिवाइड कंकर और कम्बाइन ये तीन स्टेप करते हैं, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करता है, इसमें चार स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। वो किस तरह से कि करैक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, रिकर्सन भी डिफाइन द वैल्यूज ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कंपेयर द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द बॉटम अप मिनिमम, कंसीडर कंस्ट्रक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम कंप्यूटेड इंफॉर्मेशन। डिवाइड एंड कंकर में हम पहले प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं, फिर कंकर कर रहे हैं, फिर कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रॉब्लम को तो जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करके हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं, सोल्यूशन को स्टोर कर रहे हैं और रिकर्सिवली ताकि हम यूज कर सकें। फिर हम ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं बॉटम अप टेक्निक से और बाद में उन सब सोल्यूशन को कंबाइन करके एक ऑप्टिमल सोल्यूशन बनाते हैं। डिवाइड एंड कंकर मेथड रिकर्सिव होती है, डायनामिक प्रोग्रामिंग रिकर्सिव नहीं होती। डायनामिक डिवाइड एंड कंकर डज
more work on sub problems and hence has more time consumption. Divide and conquer सब problems पर काम करने में ज़्यादा time लगाती है और पूरा जो overall time complexity उसकी वो ज़्यादा निकलती है, जबकि सब problems dynamic programming जो है वो सब problems को एक ही दफ़ा देखती है और उन्हें table में store कर देती है ताकि दोबारा उसे solve ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर time जो है वो कम use होता है. It is a top-down approach. Divide and conquer method और top-down approach है, जबकि dynamic programming bottom-up approach है. दोनों भी यूज़ हो सकती हैं इसमें, लेकिन बेसिकली ये बॉटम अप है और वो टॉप डाउन है. इन दिस सब प्रॉब्लम आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. डिवाइड एंड कंकर मेथड में तमाम सब प्रॉब्लम्स एक दूसरे पर से इंडिपेंडेंट होती हैं, और जबकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में सब प्रॉब्लम इंटरडिपेंडेंट होती है, यानी एक दूसरे पर भी डिपेंड कर रही हैं और आपस में भी जो है वो मिक्सअप हुई हुई हैं, यानी हम अलग अलग से उन्हें नहीं कर सकते. डिवाइड एंड कंकर की एग्जांपल में मर्ज सॉर्ट और बाइनरी सर्च आते हैं, जिसमें पीछे हमने देखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जबकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग एग्जांपल हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ले सकते हैं. थैंक यू.